हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय नेक्स्ट वीडियो। वीडियोस अपलोड किए, काफी अच्छा फीडबैक आ रहा है। लेकिन आज जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जनरली यहाँ पे हम किसी भी तरीके से हमारे एक एजुकेशनल की बात नहीं करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स मुझसे काफी क्लासेस ले रहे हैं रनिंग, उनकी डिमांड थी सर एक मोटिवेशनल वीडियो आप अपलोड करें, क्योंकि काफी अच्छे बच्चे स्कोर कर रहे हैं जो क्लासेस ले रहे हैं रेगुलर में। ठीक है, तो आज हम एक मोटिवेशनल जो वीडियो है वो अपलोड कर रहे हैं। शायद मे बी कुछ की जो लाइफ है बेसिकली वो उसके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, देखो जनरली एक्चुअली मोटिवेशन का मींस है क्या। ठीक है, मोटिवेशन का मींस जो है वो जनरली कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन का सिंगल जो मीनिंग है वो है एक्चुअल में आपके मन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत एनर्जी अवेलेबल है। उस एनर्जी के अंदर जो उसको जो बाहर निकाल दे, जो एक मन के अंदर जो आग है उस आग को जो बाहर निकाल दे, एक्चुअल में वही मोटिवेशनल टीचर है या पेरेंट्स है या फ्रेंड है। मोटिवेशनल कोई भी हो सकता है, कोई भी, जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर कोई कैंडिडेट हो। हो सकता है कि आपका छोटा भाई हो सकता है आपके सिस्टर हो, या कोई भी हो सकता है आपके फैमिली मेंबर हो जो आप मोटिवेशन कर सके आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपने लाइफ पर टारगेट बनाकर चले कि आपको लाइफ में करना क्या है। जनरली ये जो वीडियो है मेडिकल लाइन के स्टूडेंट जो हैं, जो बेसिकली नीट जिनका फोकस है, ये मैंने उनके लिए अपलोड करने जा रहा हूं। देखो एक्चुअल में क्या है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टारगेट बनाकर चलते हैं कि जनरली हमको लाइफ में करना क्या है। अब आपने एक टारगेट बना लिया कि सर मुझे तो नीट करना है। ठीक है, लेकिन आप क्या उस नीट के लिए वो जो एक पूरे जो गट्स होने चाहिए उस जनरली उस कैंडिडेट के अंदर, क्या आप उसको कर रहे हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में हम क्या गट्स बेसिकली लेकर आए अपने अंदर कि हमारा नीट पेपर क्लियर हो जाए। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक मेंटेलिटी होती है, बेसिकली वो ये सोचता है कि 10th क्लास में अगर मेरी 90% है या 85% है तो यस आई एम इंटेलिजेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस इंटेलिजेंसी को हम निकाल के साइड में रख दें। ठीक है, अब वो इंटेलिजेंसी का क्या करना है, क्योंकि जब वो कैंडिडेट जो स्टूडेंट है वो 11th क्लास में जब एंटर करता है तो उसको सब कुछ ऐसी नई नई चीजें मिलती हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में जो 10th तक पढ़कर आया था, जो मैंने स्कोर किया था, वो तो यहां पर है ही नहीं। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस तो उसका वहीं पर गिरने लग जाता है कि यार ये चीज हुई क्या, क्योंकि 11th में जब उसने बायोलॉजी ले ली है तो बायोलॉजी के साथ में फिजिक्स भी पढ़ रहा है और केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है। ठीक है, अब फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया कि अगर उसको फिजिक्स उसकी अच्छी होती तो बेसिकली वो मैथ्स ले लेता, लेकिन वहां पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता ही है। अब बेसिकली बात ये आती है कि अब जब नीट आप क्लियर करना चाह रहे हैं तो वहां पर बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक मेंटेलिटी होती है कि सर हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता, किसी भी तरीके से मतलब नहीं होता। देखो आपको पता है अच्छे से 11th क्लास में जब बच्चा एंटर करता है तो बेसिकली उसका एक टारगेट सबसे पहले ये बनाना चाहिए कि वो अपने कॉन्सेप्ट को समझे, रटे नहीं चीज को कि बेसिकली रॉबर्ट हुक ने ये कह दिया, लवाइशियर ने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, उसको रटो मत, उसको समझो कि इसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, इसने ऐसा कहा तो क्यों कहा। जनरली बात क्या है यहाँ पे, हम ये सोचते हैं कि बुक ने ये लाइन मेंशन कर दिए, हम उसको माइंड में सेट कर लें, उसको रट लें और उसको अप्लाई कर दें। ऐसा बच्चा कभी नीट में बेसिकली नहीं बैठ पाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर हमको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अपने डाउट्स जो हैं, वो अपने जो कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी जब टॉपिक को लर्न करते हैं तो आप बेसिकली उसको कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट लर्न करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बेस पे, जैसे कि आप कहीं पर भी बैठ जाते हो किसी भी पेपर में, तो आप कॉन्सेप्ट के बेस पे उस पेपर को जनरली आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन को रट लिया तो हर क्वेश्चन के अंदर चार ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, चार ऑप्शन होते हैं, उस दो ऑप्शन में तो आप डेफिनेटली देखते आप कह देते कि सर ये तो गलत है, लेकिन दो जो ऑप्शन होते हैं एक माइंड में हमारे एक ऑप्शन ऐसा भी आता है जो बेसिकली चल रहा होता है वो गलत होता है, वो हमको पेपर में जरूर मिलेगा, हम तुरंत उसको टिक कर देते हैं और बाद में आके सोचते हैं कि यार ये हमने क्या कर दिया। ठीक है, लेकिन उस टाइम बहुत देर हो चुकी होती है, तो बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, और जब कोई एक स्टूडेंट ये सोच लेता है ना कि एक्चुअल में मुझे, जब देखो किसी को कुछ भी नहीं करना, सब उस बच्चे को खुद को करना है। ठीक है, क्लास भी उसको खुद को लेनी है, सेल्फ स्टडी भी उसको खुद को करनी है, डाउट्स भी अपने क्लियर करने हैं, लेकिन उस बच्चे के अंदर गट्स सबसे पहले ये होने चाहिए कि वो क्लास में खड़े होकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। काफी सारे बच्चे होते हैं जो भरी क्लास में बैठे हुए होते हैं और आराम से बैठ के बिल्कुल बस सुन रहे होते हैं, जैसे कि एक रामायण चल रही हो, और जनरली हमको बस लास्ट में ये पूछा जाएगा कि इसका सेंस क्या था। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, यहाँ पे बात चलती है साइंस के अंदर, टॉपिक चलते हैं कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि यार जब हमको सारी चीज कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़नी है तो बेसिकली हम टीचर से क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे, हमको क्वेश्चन करना चाहिए सबसे पहले कि सर ये हुआ तो कैसे हुआ, सर ये कैसे पॉसिबल हुआ, जनरली कैसे होना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि 11th का जो सिलेबस है वो जनरली बहुत हार्ड है, हार्ड सिलेबस नहीं है, हार्ड उस बच्चे के लिए क्यों है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उन चीजों को पढ़ रहा है। 12th में आते हैं वो चीज उसको काफी रिलैक्सेशन देने लगती है, क्योंकि 11th में उसके डाउट्स क्लियर हो चुके होते हैं, समझ रहे हैं बात को। फिर थोड़ा लेंदी भी होता है सिलेबस, बच्चे को काफी सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये, अब स्टूडेंट्स होते हैं दो तरीके के। सबसे पहले एक वो बच्चा होता है जिसका टारगेट ही है कि यार नीट करना है मुझे, इसके अलावा जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है।
ठीक है। दूसरा ऐसा एक स्टूडेंट होता है जिससे के लिए उसको सोचना होता है कि हाँ नीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो बीएससी एडमिशन ले लेंगे, काफी आराम से बीएससी कर लेंगे, देन ग्रेजुएट हो जाएंगे, देन मास्टर्स कर लेंगे, दैट्स ओके। तो देखो वो कोई एम नहीं है, ठीक है। एम का मतलब होता है एक कि आपने ये सोच लिया कि सर मुझे तो सिर्फ यही चीज क्रॉस करनी है, मुझे सर यही पहुंचना है, तो मेरा टारगेट है कि सर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर ही बनना है। और देखो सीधी सी बात है भाई कि डॉक्टर की बहुत रेपुटेशन होती है, ठीक है। आप जनरली पहले आपको बहुत अच्छे से बताया कि इस वर्ल्ड के अंदर तीन लोगों की बहुत इज्जत है, सबसे पहले तो डॉक्टर, ठीक है, सेकंड नंबर पे आर्मी वाले, और थर्ड नंबर पे हम जैसे गरीब लोग टीचर, ठीक है भाई। तो मतलब कहने का ये है कि एक्चुअल में जब डॉक्टर है और बेसिकली आर्मी मैन से टीचर, इनकी रेस्पेक्ट उतनी हो रही है और अपना टारगेट डॉक्टर बनना है। देखो आप जनरली सुनते भी होंगे कि डॉक्टर साहब आ गए, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि डॉक्टर आ गए, ठीक है। आर्मी वाले होते हैं उनको सल्यूट करते हैं और टीचर्स को बेसिकली मास्टर कॉल करते हैं जनरली कि मास्टर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो जनरली मीन्स कहने का ये जब इतनी रेस्पेक्ट है तो यार डॉक्टर बनो। और देखो जनरली बात क्या है कि डॉक्टर बनना एक अपने आप में कला है, क्योंकि देखो वहां पर क्या है, सब आपके हाथ का खेल है। आपको पास जो ऑपरेशन करने की जो टेक्निक आ गई वो आपसे कुछ चुरा नहीं सकता। इसलिए बहुत कई जगह लिखा भी हुआ है कि बेसिकली अपने बच्चे को, ठीक है, सरस्वती का ज्ञान दे, यानी कि नॉलेज दे, नॉलेज, लक्ष्मी नहीं दे, लक्ष्मी तो चोरी हो सकती है, सरस्वती कभी चोरी नहीं होगी। तो मतलब कहने का यह है कि यार जब हमको इतना सारा एम है हमारे पास में और हमको डॉक्टर ही बनना है तो बनो ना, ठीक है। दो साल जनरली ये 11th 12th, और उसके बाद में यार थोड़ी सी तैयारी किसके नीट की, अगर आप ड्रॉप करके भी कर रहे हैं, ये 2-3 साल जो है अगर आप जनरली सिर्फ इन्हीं चीजों को दे देते हैं तो लाइफ टाइम यार आप मजे करोगे, लाइफ टाइम। और अगर आपने ये सोच लिया कि 3 साल मेरे को मजे करने तो लाइफ टाइम आप दुख पाओगे। देखो सीधी सी बात यह है कि आज बेसिकली 11th क्लास में जो बच्चा आता है तो वही समझता है कि यार मैं बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। 12th में आती है उसके ऊपर एकदम से जब कंधों पे भार पड़ता है तो उसको समझ में आता है कि यार मैं तो बहुत गलत था, सर समझ रहे बात को। तो मतलब कहने का यह है कि जब बच्चे को सारी चीजें करनी है तो बच्चे को क्यों मिसगाइड हो रहे हैं, सबसे पहले मिसगाइड का रीजन होते हैं अपने मोबाइल्स। आजकल जो बच्चे हैं उनके पास में एक से एक मोबाइल मिलता है, किसी के पास में आईफोन है, किसी के पास में वन प्लस है, किसी के पास में सैमसंग है, किसी के पास में अदर है, काफी सारे मोबाइल्स है। मोबाइल्स का यूज करो ना यार। अब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे तो बेसिकली वो वीडियो भी आप मोबाइल पर देख रहे हैं, बट इट्स अ बेनिफिशियल कि आप अपने लाइफ के लिए देख रहे हैं। मोबाइल तो आपको एक ओपन मार्केट है, वो तो आपको सब कुछ दिखाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बेसिकली आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं। तो जनरली बात यहां पर जो घूम फिर के ये आती है कि हमारे अंदर कमी क्या निकल कर आती है, हमारे अंदर कमी सबसे पहली बात हेजिटेशन। हम जनरली किसी टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत टीचर्स का एटीट्यूड भी होता है, ठीक है। हम क्वेश्चन ही नहीं करते हैं टीचर से कि यार हमको जनरली पूछना क्या है। टॉपिक चला, 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास थी, बात खत्म हो गई, आधे से बच्चे तो गुमसुम रहते हैं, उनको तो बेसिकली हिलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है एक्चुअल में कि भाई क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन बाकी सारे जो बच्चे होते हैं, जो कुछ पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, वो काफी सिंसियर, इतने सिंसियर हो जाते हैं कई बार कि उनका 11th क्लास का स्टैंडर्ड उनको छोटा लगने लग जाता है। तो बेसिकली अपने एज के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर चलो और गाइडेंस लो। गाइडेंस इन द सेंस, अब जैसे मोटिवेशनल वीडियो अपन अपलोड कर रहे हैं तो गाइडेंस अपन ही देते हैं। गाइडेंस सबसे पहले, अगर आप 11th क्लास के अंदर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि एक्चुअल में ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। आप बायोलॉजी को ये ना समझे कि हिंदी है कि आपने बेसिकली रट ली और सारा कुछ हो गया। हिंदी के मार्क्स भी लाना भी बहुत कठिन हो जाता है। देखते नहीं हो कि जब 12th के मार्क्स आते हैं, जब बेसिकली रिजल्ट आता है तो हिंदी और इंग्लिश पढ़वाने वाले सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो। आपका मेन मोटिव होता है कि बेसिकली PCM या बेसिकली PCB, ठीक है। तो जब मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम हर किसी सब्जेक्ट को अगर टाइम दें तो हमारी परसेंटेज, हमारी जो स्कोरिंग है वो सबसे ज्यादा अच्छी हो सकती है। अब नीट वाला जो बच्चा होता है, देखो उसकी मेंटेलिटी होती है मुझे नीट करना है, सबसे पहली बात भाई थोड़ा सा पीछे और आ जाओ और 12th भी करनी है, क्योंकि अगर 12th में किसी वजह से आप रह गए तो बेसिकली नीट कोई फायदा नहीं देगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले 12th में भी टारगेट बनाकर चलो और नीट पर भी। नीट बेसिकली NCERT बेस्ड होती है, लेकिन वो NCERT आपको तब समझ में आएगी जब अपनी RBSC क्लियर रहेगी, समझ रहे मैं आपको। अब नीट NCERT का जो मैटर है, ठीक है, उसकी एक एक लाइन 10-10 मीनिंग बताती है। आपके अंदर इससे सारे के सारे गट्स होने चाहिए कि आप उस 10 लाइन के मीनिंग, जो मीनिंग है उनके, वो निकाल सके एक्चुअल में कि हाँ सर 10 मीनिंग ये हैं। तो सबसे पहले जो है अपना जो एक हेजिटेशन है उसको बाहर निकालें और बी कॉन्फिडेंट, आप जज हो कर सके क्लास में आके कि हाँ यस मुझे ये चीज करनी है। अगर आप ये चीज करते हैं तो डेफिनेटली आर टू मच बेनिफिशियल। और डेफिनेटली जब आप एक चीज माइंड में रखें, कोई भी साथ नहीं देगा, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ। और जब आप ये सोच लेते हैं कि यार जब मुझे लाइफ चेंज करनी है तो फिर इंतजार किसका है भाई, इंतजार किसका है। तो इंतजार किसी का भी मत करो, ठीक है ना। अपना अपनी बुक उठाओ, अपने बेसिकली पेन लो और चीजों को लर्न करना स्टार्ट करो।
अब नीट की मैं बात कर रहा हूँ, अगला हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें आरबीएससी की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन नीट में जैसे के लिए वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। हम कई बार इतने एक्साइटमेंट में हो जाते हैं, हम क्वेश्चन में ये रीड करते ही नहीं है कि ये हाँ है या ना है, कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, हम नहीं नहीं दिखता और हम बेसिकली उस मार्क कर देते हैं, पता लगता है बाद में कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो इतने भी एक्साइटमेंट में नहीं आए, ये सिर्फ कुछ चीजें होती हैं। देखो एक चीज तो होती है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। जब बच्चे को थोड़ी बहुत चीजें लर्न होने लग जाती हैं तो बेसिकली वो समझता है कि यस आई एम द बेस्ट और जो अदर कैंडिडेट्स हैं वो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। अगर उसकी मेंटेलिटी ये तरह से हो जाती है तो समझ लो कि अब वो गर्त में जा रहा है, अब वो डाउन हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है वो, ठीक है। तो जनरली मींस कहने का ये है कि बी कॉन्फिडेंट और सबसे पहले अपने हेजिटेशन निकालो। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं और वो भी बेसिकली 11th के, उनके अंदर बिल्कुल भी बेसिकली हेजिटेशन जो होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो बच्चा क्लास में खड़ा होकर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। और अगर बाय द वे क्लास एक बहुत अच्छी क्लास है, 70 की 100 की क्लास है, तो बच्चा लाइफ टाइम क्वेश्चन नहीं पूछता, उसके लाइफ टाइम मन में एक डाउट बना रहता है। माइंड में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर बाय द वे आप एक क्लास में बैठे हो जिसके अंदर 100 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं या डजंट मैटर 50 बच्चे हैं, और आप एक क्वेश्चन पूछते हैं और आपके साथ वाले हंसते हैं, तो एक बात हमेशा माइंड में सेट रखना कि आपने क्वेश्चन पूछा है। आप 5 मिनट के लिए पागल रहोगे क्योंकि वो हंस रहे हैं, लेकिन जो हंस रहे हैं वो लाइफ टाइम पागल रहेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन उनके माइंड में भी आ सकता था लेकिन उनके डाउट कभी क्लियर होगा ही नहीं। तो मतलब कहने का क्या है कि जब ये चीजें आ रही है हमारे साथ में तो यार हम क्यों अपनी रेस्पेक्ट बनाए, और रेस्पेक्ट ये याद रखो भी डॉक्टर की बहुत है, ठीक है। और आज के टाइम में देखो मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर बात करते हैं मेडिकल लाइन के लिए तो यार देखो काफी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए यार क्यों वेट कर रहे हो, अपना कंपटीशन फाइट करो और इतने मार्क्स इतने स्कोर लेकर आओ कि फैमिली पर भी बर्डन नहीं आए इस चीज का और आपके जो बेसिकली जो ड्रीम्स हैं वो भी पूरे हो जाए। हर किसी के बस की नहीं होती है डॉक्टर बनना, लेकिन जो डॉक्टर बन जाता है उसके पास इतनी पावर हो जाती है, इतनी रेस्पेक्ट हो जाती है, बेसिकली वो कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। तो माइंड में एक चीज सेट रखे हमेशा कि मेरा एम एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि यार मैं नीट नहीं हुई तो मैं बेसिकली बीएससी कर लूंगा, ठीक है। नीट करनी है तो नीट ही करनी है। अगर कोई डजंट मैटर कोई थर्ड इशू हो जाता है तो एक अलग बात हो जाती है। अगर मुझे नीट करनी है तो मेरा टारगेट है कि नीट, बस अपना एक टारगेट बना के रखो, जहां पे आप स्टडी करते हो वहां पे सामने लिखो कि नीट। जब दिन रात आप उसको देखोगे तो बेसिकली आपको पता है कि वो चीज आप पे अट्रैक्ट होगी। जैसे साइंस में एक लॉ अप्लाई होता है, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और हमारा ये जो हमारी पूरी बॉडी है ये इस चीज को अलाउ करती है कि जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं वो चीज एक पल के एक टाइम के बाद में वो हमारे पास आने लगती है। लेकिन उसके लिए आपको बेसिकली जो गट्स है वो लगाने पड़ेंगे उसको पास लाने के लिए, समझ रहे हैं बात को। तो जनरली जब बात सारी अपने ऊपर डिपेंडेंट है कि जब मुझे ही करना है सब कुछ, तो वेट किसका कर रहे हो भाई, किसका वेट कर रहे हो? कोई आके आपको ऊपर से आके ये नहीं बताएगा कि बेसिकली बेटा तू अब कर, अब तेरे अच्छे दिन चालू हो गए। अच्छे अच्छे दिन कुछ नहीं होते हैं, सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। एक बात हमेशा याद रखना, यू आर द साइंस स्टूडेंट, आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, तो अपनी मेंटेलिटी एक साइंस वाले की तरह रखो, हमेशा साइंस वाले की तरह। अपने आप को एक सोसाइटी से अलग रखोगे तभी लोगों से अलग हो पाओगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं अलग हो पाओगे। अगर सबके अंदर मिक्स हो गए तो आप तो गायब हो गए यार, आप तो गायब हो गए। आप 4 लोगों के अंदर बैठे हुए हैं, 4 लोगों के पास बैठे हुए हैं बिल्कुल, और बेसिकली 3 लोग आपसे बात कर रहे हैं। तो अपनी जो नॉलेज है, अपनी नॉलेज जो है उस नॉलेज को एक्सप्रेस मत करो वहां बैठ के, क्योंकि अगर आपने उस नॉलेज को एक्सप्रेस कर दिया लोगों के बारे में, सुनो लोग क्या कह रहे हैं। अगर भाई एक प्रोटोजोआ पे डिस्कशन कर रहा है तो उससे सुनो, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, अपने मत बताओ कि बेसिकली मैं इससे ज्यादा भी जानता हूं। क्योंकि अगर आपने उस टाइम उससे ज्यादा वो चीज एक्सप्लेन कर दी तो डेफिनेटली आपने एक अपना कॉम्पिटिटर तैयार कर लिया जो आपके बगल में खड़ा होकर आपसे कॉम्पिटिशन करेगा। तो यार जनरली हम ऐसा करें क्यों रहे, ठीक है। तो हमारा जो एम है हम उस पर फोकस करें और लाइफ में इस तरह से आगे बढ़े। कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो हमेशा इस चीज को याद रखो कि यार करने वाला मैं ही हूं, कोई नहीं आएगा। वो चीज एक बार नहीं होगी, 2 बार नहीं होगी, 3 बार नहीं होगी, 4th बार वो चीज होगी। और जनरली जब वो चीज 4th बार होगी और वो आपके थ्रू ही होगी, तो जनरली ये माइंड में सेट रखो इस चीज को कि करने वाला मैं ही हूं, रिजल्ट भी मुझे मिलेगा। तो वेट किसका है, वेट किसी का भी नहीं है, ठीक है। इसलिए बी पॉजिटिव और बी कॉन्फिडेंट। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से चीज होगी। किसी भी चीज को लर्न करते हो, टॉपिक याद नहीं हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट बनाओ, उसका करिकुलम क्रिएट करो कि ये चीज ऐसे क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज अगर आपने माइंड में एक मेंटेलिटी बना ली, ओह इट्स टू मच हार्ड कि मुझसे याद नहीं होगा, आपने पहले ही हथियार खड़े कर दिया, आपने कह दिया नहीं कि अब मेरे को बस की नहीं है,
ठीक है, जब तक आप उस पर अप्लाई नहीं करेंगे अपनी हार्ड वर्किंग को, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि वो चीज आपसे लर्न नहीं होगी। तो जनरली जो 11 12 का जो बच्चा होता है, बेसिकली उसके अंदर पेशेंस पावर जो होती है बहुत कम होती है। वो ये सोचता है कि यार बहुत जल्दी वो हार मान लेता है, ऐसा नहीं करें। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहें, जिससे कि किसी भी तरह की जो लाइफ में प्रॉब्लम आती है, बेसिकली वो आप इजीली उसको बेसिकली पार कर सके। और ये याद रखना, अभी तो स्ट्रगल चालू हुआ है, स्ट्रगल तो चालू अभी हुआ है, और स्ट्रगल तब तक होगा जब तक आप अपने एम तक नहीं पहुंच जाते। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, उसको करने में मजा भी नहीं आता, समझ रहे बात को। मोबाइल है आपके पास में, तो मोबाइल का यूज बेनिफिट के लिए करें, बेसिकली नेगेटिव पॉइंट्स के लिए नहीं। ठीक है ना, नीट का जो बच्चा होता है ना, नीट का वो 11 12 में आते ही एक अपना मोबाइल रखता है छोटा सा, वो जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट वाले आते थे। ठीक है, क्योंकि उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी टीचर से बात कर लिया जनरली, या कोई एक रिक्वायरमेंट की कॉल है वो कर ली। अगर भाई जब उसको मल्टीमीडिया यूज करना है, बेसिकली यूट्यूब यूज करना है, तो अपने फादर मदर का मोबाइल वो यूज कर लेता है। अपने प्रॉब्लम्स के लिए फादर मदर को अपने फ्रेंड्स बना के रखो, जिससे कि आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप उसको चीज को फेस करें। क्योंकि सोसाइटी में आजकल बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन नेगेटिव पॉइंट्स के लिए बच्चे का और पेरेंट्स का जो बेसिकली कनेक्शन है, वो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो डिमांड थी बेसिकली काफी सारे स्टूडेंट्स की, उसके बेस पे मोटिवेशनल वीडियो अप्लाई किया था। आई होप कि जो बच्चे इस चीज को सिंसियर सुन के और अगर अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि वो नीट क्लियर करेंगे, अगर वो इन सब चीजों को अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज देखो लाइफ है, अगर आप एंजॉय करने के पर्पज से हो तो आज आप एंजॉय कर रहे हो, बाद में लोग आपसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि लोग अब हंसेंगे बाद में आपके ऊपर। तो इसलिए अपन क्यों ऐसा काम करें कि लोग हंसे। तो बी कॉन्फिडेंट, और हमेशा याद रखें कि चीजों को आपको ही करना है, किसी और को नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट वीडियो में, जो अपन एक एजुकेशनल वीडियो अपन नेक्स्ट अपलोड करेंगे बहुत जल्द ही। ठीक है, और आई होप कि ये जो वीडियो है, इसके थ्रू काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ पॉजिटिव जो वेव्स हैं वो अप्लाई होंगी उनके ऊपर। और बाकी जो भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो आप बेसिकली कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली अपडेशंस हैं वो अवेलेबल हो सके। अभी कुछ हम वीडियोस अप्लाई करेंगे बेसिकली कंपटीशन क्लासेस के भी, ठीक है, जहां पर आजकल साइंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और स्पेशली बायोलॉजी की, तो हम कुछ वीडियोस वो भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।